विदाउट माइक्रोवेव से, अभी विदाउट माइक्रोवेव से बनाने का जो प्रोसेस है वो जब काम नहीं रहता ना भाई, वो टाइम में घर में तगड़ा वर्कआउट करता हूँ। और बाप रे बाप, जब आप बहुत दिन के बाद वर्कआउट करोगे ना, तगड़ा फील मिलता है, तगड़ा तगड़ा। अभी मैं वर्कआउट कर रहा था आज, बेसिकली मेरा कुछ काम नहीं था शाम को। अभी थोड़ी देर बाद मैं गेस्टमेट करूँगा, लेकिन दोपहर को मेरा जो काम रहता है वो काम वगैरह नहीं था करके मैं अभी वर्कआउट कर रहा था। आज जो मैं करता हूँ, ये जो घूमता रहता हूँ, वीडियो बनाता हूँ, फिर आप लोगों के साथ मन का बात शेयर करता हूँ, एक टाइम में बेसिकली मैं यही करना चाहता था और मेरे को यही पसंद लगता था। लेकिन क्या है कि भाई, वो टाइम में मेरे को पता नहीं था कि इसको व्लॉगिंग कहते, इसको मतलब आप कर सकते हो यूट्यूब करके एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप डाल सकते हो, ये सब चीज़ मेरे को सच्ची में नहीं पता था। ये सब चीज़ मेरे को पता चला 2016 से, जब मैं मुंबई का निखिल का वीडियो फर्स्ट देखा। और देखने के बाद भी ऐसा होता है कि देखने के बाद भी मेरे को मतलब भरोसा नहीं है। भरोसा मतलब क्या, मतलब एक वो क्या होता है, शर्म। मेन है हम लोग कि शर्म से मर जाते हैं, जो मेन चीज़ है कि 10 लोगों के सामने कैमरा लेके बात करना, ये करना, ये सब शर्म हटाने में ही मेरे को कम से कम लग गया 4-5 साल। उसके बाद जाके मैंने यूट्यूब में कैरियर शुरू किया। तो अभी मेरे को कोई शर्म नहीं है, अभी कैमरा उठा के मैं 10 लोगों के सामने बात कर सकता हूँ, मेरा कुछ शर्म नहीं है। क्यों, तो मेरे को पता है भाई, मेरा खाना, मेरा पेट, मेरे को खुद चलाना है, कोई चलाने वाला नहीं है। सो किसी से डरो मत, जो आए मन में, अपना कैमरा है खुद का खरीदा हुआ, उसके सामने बोलो, बाकी सब बाहर में जाए। सो वेलकम बैक टू माई चैनल, योर यूट्यूब चैनल बॉन्ग बाइसेप। तो ऐसा भी नहीं बोलूँगा भाई कि सबके सामने कुछ भी उल्टा सीधा गाली बको, ये बको, कैमरा खुद से खरीदा करके सब बोल दो, ऐसा नहीं भाई। थोड़ा मान सम्मान सब कुछ बचा के फिर बातचीत करो, क्योंकि आज मेरा जो वॉल्यूम है यूट्यूब में, आज मेरे को 227 लोग जानता है। मतलब मेरा फैमिली मेंबर कितना जन है, 10 जन 12 जन पीयू का फैमिली मेंबर मिला के, लेकिन 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 उससे भी ज़्यादा मेरा बाहर का लोग जो मेरे को सब्सक्राइब करके रखा है। सो मैं उनके सामने कुछ गलत नहीं बोल सकता, मैं उनके सामने कुछ उल्टा सीधा नहीं बोल सकता, मतलब ऐसा भी कुछ नहीं बोल सकता कि उन लोगों को चोट पहुँचे। सो संभाल के बोलना होता है, लेकिन मन का जो बात है वो मैं खुल के बोलता हूँ एकदम। कभी भी एक चीज़ जान लेना, मन का बात बोलने से कभी भी शर्माना नहीं, जो मन में आए बोल देना, फिर बाद में जाके वो अगर ख़राब लगता है सॉरी बोल देना, लेकिन मन का बात कभी दबाना नहीं। चाहे टॉयलेट का प्रेशर आता है, आप रुका नहीं सकते, साइंस के बदौलत उसको कहते हैं कि अगर रुकाओगे तो आपका शरीर के लिए बहुत ही हानिकारक हो सकता है। और मन का बात भी डॉक्टर लोग बोलते हैं, अगर मन में कुछ बात है तो खुल के बोलो, सभी के सामने बोल दो, फिर स्ट्रेस बहुत ही कम रहेगा। सो इसलिए मैं बोला, मन में आया बात और प्रेशर में आया टॉयलेट, कभी रुकना नहीं चाहिए, हमेशा बोल दो, कर दो। सो अभी तो मैं गेस्ट मीट के लिए जाऊंगा, लेकिन इसके बाद जैसे ही मैं आऊंगा घर में, मेरे को आज पिज़्ज़ा बनाना है। पिज़्ज़ा बनेगा ना, टेक्निक मैं आप लोगों को दिखा दूंगा, क्योंकि देखो भाई, सच बात बोलने से मेरा घर में ना ओवन है ना कुछ है, सिर्फ नॉर्मल पैन में मैं पिज़्ज़ा बनाने वाला हूँ। पैन तो यहाँ पे अभी धोना पड़ेगा, घर जैसे ही मैं गेस्ट मीट ख़त्म करके आऊँगा इसको धो लूँगा, लेकिन मेरा घर में कुछ ओवन वगैरह नहीं है, फिर भी मैं पिज़्ज़ा बना सकता हूँ घर में। ये सभी लोग, जिस लोगों के घर में अभी माइक्रोवेव नहीं है या तो अफोर्ड नहीं कर सकते, लेकिन घर में पिज़्ज़ा बना के अपने फैमिली वाले को खिलाना है, या तो दोस्त को खिलाना है, या तो वाइफ को खिलाना है, तो आप लोग कैसे खिलाओगे। तो इसलिए मैंने सोचा कि ये सबसे यूज़फुल कंटेंट है, तो इसको मैं शेयर करना सबसे, मैं सोचा कि फ़ायदेमंद ही रहेगा इसको शेयर करना, क्योंकि बहुत लोगों को पता नहीं होता है कि कैसे बनाना होता है। अगर आप गलती से बनाओगे, मतलब गलत बनाओगे ना, तो नीचे बेस का जो नीचे वाला हिस्सा होता है वो जल जाता है, लेकिन आप सही से प्रोसेस करके आप बनाओगे तो बहुत ही अच्छा होता है, बहुत ही अच्छा होता है। सो वहाँ पे गेस्ट वेट कर रहा होगा, मैं यहाँ पे पिज़्ज़ा बनाने के चक्कर में अपना नौकरी खो दूंगा, पहले गेस्ट मीट करके आता हूँ, माइंड फ्रेश हो जाएगा। मैं क्या बोला, माइंड में आया वाला बात कभी रुकना नहीं चाहिए, हमेशा बोल देना चाहिए। सो माइंड में मेरा अभी आया, गेस्ट मीट करने जाना है, पहले मैं गेस्ट मीट खत्म करूँगा, उसके बाद घर में आके आप लोगों को पिज़्ज़ा बनाना दिखाऊंगा। सो लाइफ में सबसे बड़ा चीज़ जो होता है वो है पेशेंस लेवल, जो मेरा बीवी का बहुत ही अच्छा है।
लेकिन मेरा सबसे खराब था। आज का डेट में मेरा ज़्यादा है लेकिन इसका बहुत कम है। मुँह देखो इसका, सच्ची में इसका बहुत पेशेंस लेवल कम हो गया। लेकिन हाँ एक चीज़ है, इसके साथ मैं जब भी रहता हूँ मेरा पेशेंस लेवल बढ़ जाता है, और ये जब मेरे साथ रहता है तभी बढ़ जाता है, नहीं तो अलग अलग रहेंगे तो पेशेंस लेवल बहुत कम हो जाता है, बहुत। सो अभी मैं बनाने वाला हूँ पिज़्ज़ा, अभी पिज़्ज़ा बनाने वाला हूँ विदाउट माइक्रोवेव से। अभी विदाउट माइक्रोवेव से बनाने का जो प्रोसेस है वो ही कि हम लोगों को चाहिए एक तवा, उसके साथ हम लोगों को चाहिए नमक। नमक बेसिकली गरम का बेस बनेगा। ये है तवा, इसके अंदर मैंने बहुत सारा नमक डाल दिया। अभी इसके ऊपर डालना है एक कटोरा वगैरह। सो कटोरा हम लोग कुछ इस तरह का कटोरा ले लें, इसमें ऐसे करके ढक देंगे। उसके बाद इसके ऊपर ढकने के लिए ऐसा एक बड़ा प्लेट ले लेंगे और इसको कवर कर देंगे। तो इसके अंदर जो हीट बनेगा वो हीट से हम लोगों का पिज़्ज़ा बनके रेडी हो जाएगा। टॉपिंग के लिए यहाँ पे सब कुछ ले लिया है, प्याज कट लिया, थोड़ा सा कैप्सिकम ले लिया, चिकन ले लिया, और यहाँ पे अभी एक बचा हुआ चीज़, यहाँ पे गोटा पैकेट चीज़, और हम लोगों का चाहिए पिज़्ज़ा सॉस, टॉपिंग सॉस। सो ये वाला पिज़्ज़ा टॉपिंग सॉस हम लोगों का है। सो अभी मैं पहले बूस्ट पी लेता हूँ, उसके बाद पिज़्ज़ा कैसे टॉपिंग करता है, कैसे इसके अंदर डाल के पिज़्ज़ा बनता है और कितना टेस्टी बनता है आप लोगों को दिखाता हूँ मैं। और ये इसीलिए मैं दिखा रहा हूँ कि बहुत सारे लोगों के घर में अभी तक माइक्रोवेव नहीं है, या तो माइक्रोवेव अफोर्ड नहीं कर सकते लेकिन पिज़्ज़ा खाने का मन है, तो आप लोग कैसे घर में बना के खा सकते हो। मैं तो इसमें दिखा रहा हूँ, किसी के पास अगर ओवन है, गैस ओवन है, तो उसमें और भी अच्छा बनेगा। तो पिज़्ज़ा बनाने के लिए पहले चाहिए पिज़्ज़ा बेस। सो पिज़्ज़ा बेस बेसिकली मेरे को बनाना उतना अच्छे से नहीं आता है, लेकिन आप लोग कमेंट करोगे तो मैं सीख के आप लोगों को ऑब्वियसली सिखा दूंगा। अभी के लिए फ़िलहाल मैं बाहर से तिल्लाई से मैं ख़रीद के लेके आया, यहाँ पे लोकल जो मार्केट है तिल्लाई बेकरीज, वहाँ से बेकरी से मैं पिज़्ज़ा बेस खरीद के लाया। दो बेस मेरे को पड़ा 30 रुपीज़। चलो अप्रॉक्सीमेट प्राइस के हिसाब से ठीक ही है दो बेस का। हम लोग का कोलकाता में इसका आता है 4 बेस कुछ 50 रुपीज़ 60 रुपीज़ आता है, यहाँ पे 2 बेस का 30 रुपीज़ लिया, तो ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे जितना कॉस्टिंग होता है ज्यादा होता है उसके हिसाब से सही है प्राइस 50 रुपीज़ पर बेस का। तो अब इसको क्या करना है, पहले इसको अनबॉक्स कर लेते हैं, उसके बाद हम लोगों को इसके अंदर छेद कर लेना है एक मतलब फोक से। एक्चुअली छेद इसीलिए करना होता है क्योंकि ये जो टॉपिंग्स रहता है, मतलब ये जो सॉस में डालने वाला हूँ, चीज़ जो डालने वाला हूँ, वो एकदम अंदर तक जाए और नीचे से जब हीट लगेगा वो पूरा ऊपर तक आए। तो इसमें क्या होता है, जो ट्रांजेक्शन रहेगा तभी क्या होगा, पूरा पिज़्ज़ा का जो फ्लेवर, पूरा फ्लेवर निखार के निकलेगा बाहर। सो अभी करते हैं ये वाला बेस का अनबॉक्स। बेसिकली नॉर्मली कांच ही लेके इसको काट दो और ये हो जाएगा अनबॉक्स। इसका धार भी चला गया इसलिए एक चांस में कट नहीं रहा है भाई, इंडियन जुगाड़। एक बार थोड़ा सा कट गया पूरा फाड़ के निकल गया है, इसको कहते हैं इंडियन जुगाड़। जैसे कि मैंने बोला कि ये वाला फोक से मेरे को इसको और भी ज़्यादा इसमें डॉट 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 बना लेना है, गैप कर लेना है। सो इसमें गैप कैसे करना होता है, एक्चुअली ऐसा करके, देखा गैप बन रहा है, तो ऐसा करके पूरा गैप बनाना होता है। तो बेसिकली मैं पहले गैप बना लेता हूँ फिर आप लोगों को दिखाता हूँ। तो ऐसा करके मैंने पूरा डॉट 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 कर लिया, और इसको इग्नोर करो, ये जब ये बेस बनाया गया है लगता है वो टाइम में ये जल गया है, एक्चुअली ये जलने का कलर है। सो ऐसा पूरा डॉट डॉट बना लिया। अभी जो है इसमें टॉपिंग सॉस देना है मेरे को 2 चम्मच। सो ऐसा चम्मच का ये जो साइज़ है, इस साइज़ का 2 चम्मच देना है मेरे को। एक इसमें डाल दिया, 2। अभी इसको अच्छे से मेरे को यहाँ पे पूरा मिक्स कर देना है। सो पहले मैं मिक्स कर लेता हूँ, करके मैं आप लोगों को दिखाऊँ। तो टॉपिंग करने के बाद पिज़्ज़ा बेस अभी कुछ ऐसा दिख रहा है। अभी इसमें जो डालना है हम लोग को एक चीज़, सो एक गोटा ऐसा मेरे का चीज़ था, स्लाइस चीज़, उसको मैंने लेके ऐसा छोटा छोटा पीस कर लिया। अभी क्या होता है, इसको छिड़कने में मेरे को आसानी है। सो ऐसा करके इसको बेसिकली छिड़कना है, तो इसमें क्या होगा, पूरा चीज़ मेल्ट भी होगा बहुत जल्दी और पूरा टॉपिंग के साथ घुल भी जाएगा, और इसमें क्या होगा, खाने में टेस्ट भी अच्छा होगा।
टॉपिंग। इसके बाद हम लोगों को जो टॉपिंग करना है वो है कि हम लोगों को ये चीज़ का टॉपिंग, वो है कि प्याज और कैप्सिकम का। सो हल्का हल्का करके हम लोग इसके ऊपर प्याज डाल देंगे। पिज़्ज़ा का टॉपिंग जितना बड़ा हुआ रहेगा पिज़्ज़ा दिखने में भी उतना सुंदर होगा, खाने में भी उतना ज़्यादा टेस्टी बनेगा। और इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा चिकन। सो ये चिकन को पहले ही सही मैंने उबाल के रख दिया है, अभी सिर्फ इसमें डाल देता हूँ। जैसे ही ये वहाँ पे और एक बार तवे में फ्राई हो जाएगा फिर और भी अच्छा टेस्ट इससे निकल के आएगा। थोड़ा सा ज़्यादा मैं चिकन इसमें डाल देता हूँ। अभी चिकन डाल दिया, अभी इसमें जो है थोड़ा सा ब्लैक पेपर डालना है, थोड़ा सा स्वाद अनुसार नमक डाल। सो ब्लैक पेपर मैंने इसमें डाल दिया, अभी कुछ ऐसा लग रहा है। अभी इसके ऊपर और एक बार हम लोग डालने वाले चीज़। सो जितना चीज़ डालेंगे उतना ज़्यादा पिज़्ज़ा सुंदर होता है। सो ये चीज़ को ज़्यादा चॉप नहीं किया, सिर्फ ऐसा ऐसा करके। तो जैसे ऐसा गर्म हो रहा है इसमें हम लोग पिज़्ज़ा को क्या करेंगे इसमें शिफ्ट करेंगे पहले। पिज़्ज़ा इसमें शिफ्ट हो गया, अभी काम जो है इसके अंदर पिज़्ज़ा को सुंदर करके बिठा देना और इसको ढक देना। तो जब तक ये ढक जाता है, ये बनता रहता है, तब तक हम दूसरा वाला भी टॉपिंग करके रेडी कर लेते हैं। जैसे ही ये रेडी होके निकलेगा मेरा पहला जो काम होगा आप लोगों को रिव्यू करना। रिव्यू क्या, ये बन गया व्यू खाएगा, खा के टेस्ट करके व्यू बताएगा कैसा इसका टेस्ट लग रहा है, आप लोगों को रिव्यू मिल जाएगा। और पिज़्ज़ा शॉर्ट एंड सिंपल में बेसिकली ऐसे ही आप घर पर बना। सो 35 से 40 मिनट इसको बेसिकली इसके अंदर रखना होता है। इसको जितना आप गर्म करोगे उतना ज़्यादा फूलेगा, उसके साथ साथ इसका जो टेस्ट, इसका जो फ्लेवर वो भी बाहर आना शुरू होगा। सो अभी ये पक रहा है, ऑलमोस्ट 20 मिनट हो चुका है, लेकिन एक चीज़ मेरा बहुत ही ख़राब लगता है, ये बार बार 3 मिनट 4 मिनट होगा टी 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 करके इसका पावर ऑफ हो जाएगा। सो इसके सामने ऑल टाइम खड़ा रहना होता है, ये सिर्फ इसका प्रॉब्लम है। अगर आपको ये चीज़ से छुटकारा चाहिए पिज़्ज़ा बनाने के टाइम, तो भाई मैं सीधा साधा बोलूँगा गैस ओवन में डालो, 1 से 2 मतलब जो नॉब का होता है 1 2 3 4 5 होता है, तो 2 में रखो, रख के आधे घंटे के लिए छोड़ दो उसको, आधे घंटे के लिए पूरा छोड़ दो, जो उसका हीट रहेगा पूरा हीट कंज्यूम करके आपका पिज़्ज़ा एकदम रेडी टू ईट बन के आ जाएगा। होता है 2 तरीके से 3 तरीके से हीट लगता है, 1 2 और 3 मतलब दोनों साइड से और ऊपर से हीट लगता है। उसमें क्या होता है ज़्यादा जल्दी वो फूल जाता है, और जो मतलब सब्ज़ी वगैरह उसमें आप टॉपिंग के लिए डालते हो, फिर चीज़ वगैरह डालते हो, तो वो पूरा एकदम घुल जाता है उसके साथ और अच्छा हो जाता है। लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें धीमा आँच में हम लोगों को बनाना होता है, तो इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन चलो हो जाता है। फिर से देखो शुरू हो गया, तीन पिज़्ज़ा का मैंने ऑलरेडी टॉपिंग करके यहाँ पे रेडी करके रख दिया। जैसे ये वाला अंदर जाएगा वो वाला को बाहर निकालूंगा, टेस्ट करूंगा, ये वाला अंदर जाएगा और बाकी जो ये 2 रखा है ये 2 को भी मैं बना दूंगा। उसी हिसाब से मैंने टॉपिंग का, चिकन का सब कुछ रख दिया है, चारों बना दूंगा, क्योंकि उस दिन हम लोगों ने खा के देखा है। अगर कुछ खा के रखे हो आप तो दोनों के लिए एक एक पिज़्ज़ा ठीक है, अगर कुछ नहीं खाए हो तो दोनों को 2-2 पिज़्ज़ा बनके तैयार हो गया। मैं पीयू को दे दिया पिज़्ज़ा, अभी पीयू रिव्यू बताएगा कि कैसा है, बोलो। बहुत गंदा बना है, पिछला दिन का जो जैसे भी बना था थोड़ा फूला था, आज कुछ भी नहीं फूला है, मतलब लग रहा है रोटी खा रही है। तो रोटी की तरह ही तो है, उसको पिज़्ज़ा चाहिए। देखो ये मतलब ऐसा है ना, मेरा डेली केस लेना चाहता है, डेली का डेली मेरा केस लेगा।
एक्चुअली पिज़्ज़ा कैसा होता है कि फुल जाता है, हम लोग दुकान में जो खाते हैं उसमें क्या होता है, ईस्ट डाला जाता है, तो ईस्ट डालने से क्या होता है वो फुल जाता है। लेकिन ये जो बना हुआ पिज़्ज़ा मतलब बेस जो हम लोग लाते हैं इसमें ईस्ट नहीं डाला जाता, क्योंकि ईस्ट डालेगा तो ये जल्दी ख़राब हो जाएगा। सिर्फ ईस्ट डाला नहीं जाता, ये नॉर्मली डो रहता है उसको पिज़्ज़ा बेस बना के इसको छोड़ देता है, तो इसको हम जैसे ही भी बनाएंगे रोटी की तरह पतला ही होगा, ये कभी फूलेगा नहीं। आप जितना भी आप माइक्रोवेव में भी बना दो ये फूलने वाला नहीं। इसको मैं कब से समझा रहा हूँ ये चीज़, ये समझता नहीं फूला क्यों नहीं इसको। मतलब एक चीज़ दुकान में मैंने खा लिया फूला वाला पिज़्ज़ा, तो वैसा ही उसको खाना है डोमिनोज वाला, दूसरा टाइप का इसको खाना ही नहीं। देखो आराम से खा रहा है, मज़े से खा रहा है, फिर भी मतलब मेरा केस 100% उसको लेना ही है, कैसे भी करके मेरा केस उसको लेना ही है।